महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। 16,38,964 लाख छात्र 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, इसमें से 8,89,506 लड़के और 7,49,458 लड़कियां शामिल हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने ठीक 11 बजे SSC 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। परीक्षा में 96.94% छात्र पास हुए हैं। रिजल्ट ऑनलाइन दोपहर 1 बजे से छात्र देख पा रहे हैं। इस साल लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 97.96 है और लड़कों का पास प्रतिशत 96.06 है। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्र SSC 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट mahresult.nic.in और ssc.result.mkcl.org पर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना नाम और रोल नंबर दर्ज करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करें। छात्र mahresult.nic.in पर जाएं, SSC एग्जामिनेशन मार्च 2022 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और मदर्स फर्स्ट नेम भरें। अब व्यू रिजल्ट पर क्लिक करें। रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। SMS से स्कोर चेक करने का तरीका भी जान लें। छात्र SMS से रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले फोन के SMS बॉक्स में MHSSC स्पेस सीट नंबर इस फॉर्मेट में एक मैसेज टाइप करें। अब इस मैसेज को 577 66 पर भेज दें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल जाकर छात्रों को मिलेगी। बता दें कि परीक्षा पास करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 35% नंबर लाना जरूरी होगा। जो छात्र 35% नंबर लाने में सफल नहीं हुए हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देकर अपना रिजल्ट सुधार सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।